नमस्कार मंडली, मैं श्रीनिकेत आपका स्वागत करता हूँ ऑन माय चैनल केएम पर आवर ब्लॉग्स। अगर आपके मोटरसाइकिल में एक हैलोजन हेडलैम्प आता है तो BS4 के बाद गवर्नमेंट ने एक रूल कंपलसरी किया था कि आपका जो हेडलैम्प है वो ऑलवेज ऑन रहेगा, AHO जिसे हम कहते हैं। तो इससे आप काफी ज्यादा अनॉयड रहते हो क्योंकि डे टाइम में भी आपका हैलोजन हेडलैम्प शुरू रहता है एंड आपकी बैटरी काफी ज्यादा जल्दी डिग्रेड हो सकती है। तो ये जो फंक्शनलिटी है, मैं इशू नहीं कहूंगा, फंक्शनलिटी बाईपास कैसे करनी है एंड आपकी जो बैटरी है वो ज्यादा से ज्यादा टिक सके, ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग लाइफ उसकी रहे, उसके लिए अपने पास एक नया प्रोडक्ट आया है विच इज द क्रूजर शील्ड AHO स्विच। तो ये एग्जैक्टली प्रोडक्ट है कैसा, इसे आपको इंस्टॉल कैसे करना है, यूज कैसे करना है, वो आपको मैं आज दिखाने वाला हूँ। तो इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। दिस इज द क्रूजर शील्ड H4 AHO Pro, इनसाइड द बॉक्स। ये पूरा मॉड्यूल आता है। सो दिस इज अ माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली एंड ये अपने H4 सॉकेट जो है हेडलैम्प के उसमें बैठेगा। सो इतना ही है, आपको कोई एडिशनल स्विच लगाने की आपके बाइक में जरूरत नहीं है एंड आपको जो कॉकपिट है उसे क्लटर करने की जरूरत नहीं है। तो इसे आपको डायरेक्ट हेडलैम्प में प्लग एंड प्ले करना है, आपकी वारंटी भी वॉइड नहीं होगी। यू गेट द इंस्ट्रक्शन मैनुअल एंड अ कपल ऑफ स्टिकर्स। तो इसे इंस्टॉल करना काफ़ी ईजी है, लेट्स स्टार्ट द इंस्टॉलेशन। क्रूजर का मॉड्यूल इंस्टॉल करने के लिए हमें हेडलैम्प निकालना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा ईजी है रॉयल एनफील्ड्स में क्योंकि सिर्फ यहाँ दो जो नीचे बोल्ट्स होते हैं वो निकालने के बाद यू कैन ईजिली रिमूव द हेडलैम्प। सो हमने यहाँ का एक बोल्ट एंड यहाँ का एक बोल्ट निकाल दिया है तो हेडलैम्प अब बाहर आ जाएगा डायरेक्टली। कट कर। तो अब यहाँ पर आपको एक H4 सॉकेट दिखेगा तो उसे आपको सिंपली अनप्लग कर लेना है एंड अपना जो क्रूजर का मॉड्यूल है इसे मेल फीमेल मैच करके आपको इसे इंस्टॉल कर देना है। यहाँ पर हमने जो फीमेल प्लग है वो प्लग इन कर दिया है एंड अब यहाँ पर हमें बाइक के हार्नेस में इसे प्लग इन कर देना है। एंड नाउ द सिस्टम हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। तो अब इसे आपको प्रॉपरली टक इन करके हेडलैम्प को फिर से असेंबल कर देना है। दैट्स हाउ ईजी द इंस्टॉलेशन ऑफ दिस क्रूजर मॉड्यूल इज। क्रूजर AHO स्विच को आपको ऑपरेट कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी एडिशनल स्विच अपने हैंडल बार पर हमने नहीं इंस्टॉल किया है, वो लाइट्स के हैं, फॉग लैम्प्स के एडिशनल। तो अभी हमने इग्निशन ऑन किया तो सिर्फ पायलट लैम्प ऑन हुआ। अब जब बाइक स्टार्ट करते हैं तो आपने अभी देखा होगा कि जो बल्ब है वो जस्ट एक बार स्टार्ट होकर बंद हो गया, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द AHO स्विच फ्रॉम क्रूजर। तो अगर आपको नॉर्मल फ्लैश देना है, अपर डिपर करना है, तो आपने नॉर्मली एक बार प्रेस किया तो आप नॉर्मली फ्लैश कर सकते हो। बट अगर आपको अभी हेडलैम्प ऑन करना है, कंटिन्यूसली ऑन रखना है, इट्स नाइट टाइम, तो आपको जो स्विच है पास लाइट स्विच होते 3 सेकंड के लिए कंटिन्यूस होल्ड करके रखना है, लीव। अब देखिए हेडलैम्प ऑन हो गया। अब नॉर्मल जो अपना अपर डिपर है, नॉर्मल फंक्शनलिटी है, वो फिर से आप ऑपरेट कर सकते हो। बट अगर आपको हेडलैम्प अभी बंद करना है फिर से आफ्टर यू स्विच इट ऑन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, तो आप ऐसा डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, आपको इग्निशन ही बंद करना पड़ेगा। एंड नाउ इफ यू स्टार्ट द मोटरसाइकिल इट विल रिपीट अगेन, हेडलैम्प फिर से स्टार्ट नहीं रहेगा जो कि आपने पिछली बार शुरू रखा था। तो फिर से अगर आप 3 सेकंड के लिए पास लाइट ऑन करोगे दब दब हेडलैम्प विल स्विच ऑन। सो दिस इज बेसिकली द फंक्शनैलिटी ऑफ द क्रूजर AHO स्विच विदाउट एनी एडिशनल बटन ऑन योर हैंडल बार। सो दिस इज इट, दिस वॉज अ सिंपल मॉडिफिकेशन ऑन योर रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल। तो अगर आपके पास कोई रॉयल एनफील्ड है, लेट इट बी BS 346 एंड उसमें अगर AHO फंक्शनैलिटी है तो उसे काउंटर करने के लिए आप क्रूजर की तरफ से ये जो प्रोडक्ट आता है वो यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन परचेज द प्रोडक्ट बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में भी मैंने लिंक दे दिया है। एंड ऑल्सो इस प्रोडक्ट को इंस्टॉल करने के बाद आपका फीडबैक मुझे शेयर कीजिए इन द कमेंट्स डाउन बिलो ऑफ दिस वीडियो इटसेल्फ। एनीवे, सो आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इफ येस, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल राइट अवे फॉर प्लेंटी ऑफ सच यूजफुल मॉडिफिकेशंस ऑन योर मोटरसाइकिल्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून। टेक केयर, थैंक यू सो मच।